आ रहे हैं और फिर है। oh, wow. शाम को फिर हाजी साहब के पास गए हम हम दोनों ने ना तीन चार पार्टियों के रखे मजे <laughs> लगी इधर लगा के हम तो उनके तंबू में घुस जाती हैं। इसको फैंटी भी पड़ी है। ना बताओ, ना बताओ। इसने टिकट चेंज ली कि और दूसरी पार्टी में घुस गया। ओ, ओ। वो लल्ले फाड़ लिया तों तो। कहते नहीं, नहीं, नहीं। मैं उते तो वोट उत दिया गा तो थले ना लूंगा। <laughs>

बदल के हम तो अंदर भी सोच रहे थे जाने का तो हाजी साहब का बड़ा बेटा ना जो लतीफ बताओ जनाबाश तो मैंने पीछे देखा शायद किसी और को कह रहे। अच्छा मैंने तो कभी साहब सुना ही नहीं सही बात है मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था मैंने फिर पार लतीफ से पूछा मैंने कहा मैं कहते है, जी आप तो जनाब जनाबी मुझे आप नहीं था हजम साथ जनाब सही तो बात है फिर उन्होंने अंदर हमें बिठा के तो प्लेटें पड़ पड़ के वाह खुआई अबा कहते हैं जितनी देर तो तक नहीं फीके करनी है बस चार दिन की बात है, वो, 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 वो आप कह है जो हज साहब ना वो बछेड़ खोखर ने भी कहा है वो कहता फीके अब इलेक्शन भी हो जाएगा ना तो छुट्टी नहीं करनी नीड़ो जाना हाँ जाना जाना अभी तो वो तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं बिठा के खिला रहे हैं इलेक्शन के बाद वो तुमसे अपनी खिदमत करवाएंगे वो तो, वो तो, वो तो हाजी साहब कहते हैं कि तुम्हें हाजी साहब ने मुझे एक दफा पहले भी गाड़ी में बिठाया था जब बकरा लेने गए थे ना ईद पे हाँ। कहते थे कि चल मेरा पुथड़ बैठ जा डाला था ना उनका तो थे थे तो गर्ज थी तुमसे खिदमत लेनी थी काम लेना था तो तुम्हें चार, चार कलेक्टी हुई है तुम्हें पता है आजकल तुम्हारी और वजीर की ताकत एक जैसी है वजीर ने भी एक ही वोट डालना तुमने भी एक ही वोट डालना बिल्कुल ठीक कह रहे सिर्फ बिरयानी पाए कुलचे की ताकत ना देखो अपनी वोट की ताकत को पहचानो उस उम्मीदवार को वोट जो तो तुम्हारे हलके के लिए फायदेमंद हो तुम्हारे लिए काम करे और पांच साल के लिए तुम्हें फायदा पहुंचाए निजी उन्होंने फायदे का बताया है, उन्होंने फीके से कहा है कि हम फैक्ट्री में तुम्हारे दोस्त छानने को भी रखेंगे यार अपना जाति फायदा ना सोचो मुल्क का सोचो कौम का सोचो ऐसे उम्मीदवार को वोट दो जो सबका सोचे सिर्फ तुम्हारी नौकरी ना लगवा दे वो। आगा। आगा। नहीं तो इनकी फैक्ट्री पाकिस्तान में है। उदर, उदर अब सारे मुल्क को तो वही ना डाक सकता तो हमें ढाकड़े है छाने को डाकड़े है मैं तो उनको कह रहा था की छाने घोड़ों के भी सारे वोट आपके हाँ जी आगा। जो अलहदादा पकड़ के कह रहा है कि मैं तुम्हें फायदा दूंगा मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा वो दो है। जो लो, पूरे मुल्क को किस तरह वो बढ़िया नहीं बांट देती <laughs> है जो काम करती है उधर उनके डेढ़े पे उन्हीं को खिलानी है लो उनमें से भी कई लोगों को बोटी नहीं मिलती के लिए इस बोटी बिरयानी से बाहर निकलो फीके मुल्क का सोचो यार लो 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 जी, जी, जी चार पांच साल बाद बोटी खाई ले दुश्मन बन गए हाँ। आप बल्कि ये क्यों नहीं कहते लोगों को पांच साल बाद लशकन कराते है हर साल करा लो बाकी के ये जो इलेक्शन में चांद दिन अवाम को बोटियां खिलाते हैं पांच साल फिर वो इनकी बोटियां खाते हैं वैसे खा भी ये इलेक्शन है कोई उर्स नहीं जो हर साल बाद हो जाए होता है ओ हो इसका नहीं उड़स होता तो मैं तो अभी जिंदा हूँ तुम्हारे हाथ में तो मैंने कई दफा चावलों वाला छापड़ देखा है ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਔਰਸ ਹੀ ਕਢਾਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਔਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਔਰਸ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੌਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜਾਇਮੈਂਟ ਇਹ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਛਾਪਰ ਜੀ ਚੌਲ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਂਦਾ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਜੀ ਜੇ ਜੇ ਛਾਪੜ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾੜੇ ਦੇ ਚੌਲ ਵੇਗੇ ਚ ਫੈਜ ਜਾਣੇ ਉਹ ਡਬਲ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾਰ ਅੱਬੀ ਅੱਬੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੜੇ ਇੱਥੇ के आ, फीके जब तुम तुम तुम, तुम फिक्र नहीं करो जब मैं जीत जाऊंगा ना तो मैं तेरे अब्बे का लाज भी करवा दूंगा ये अस्पताल से एक और सब्ज बाग मेरे अब्बे को तीन साल हो गए हैं वो बीमार हुआ तो उसके पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते तो वहा जी साहब इतने अच्छे हैं वह कहते थे फीके तुम फिकर ना करो मैं तुम्हारे अबे का इलाज करा दूंगा मैंने कहा जी साहब हमने इतने पैसे लगाए तो कहते हैं वो अपने करा लो तो उसके तो पैसे ही नहीं हमारे पास तो कहते हैं फिकर ना करो अब जब इलेक्शन जीतूंगा ना तो मुफ्त हाँ। वो तो फिर हाँ। तो दुआएं मांग रही थी कि करे आज थी जान, है आए। आए। यही तो अलमिया है कि हम अपनी छोटी छोटी जरूरियात के साथ जुड़े हुए होना तो ये चाहिए कि ऐसा सिस्टम हो कोई गरीब बीमार हो वो खुद जाए अस्पताल में उसका इलाज हो जाए किसी एमएनए एमपीए की जरूरत ही ना पड़े इन लोगों को बिल्कुल सही छोटी छोटी जरूरिया Oh. अब अब आप मारो आपको दो 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 पता oh, 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 oh. ने 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 टेस्ट कराओढ़ जाकर खून ले करो ओर जाकर डॉक्टर तोड़ गया है oh. इतना परेशान कर देते हैं hmm. तो फिर फिर बंदे ने के जाना सिफारिशा मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई निजाम अगर बना हुआ हो तो तुम्हें इतनी परेशानी का सामना ही ना करना पड़े तुम अपने अबू को लेके जाओ और वहाँ एक निज़ाम के तहत उनके एक्सरे भी हो जाए टेस्ट भी हो जाए इलाज भी हो जाए किसी की सिफारिश की जरूरत ही ना पड़े इसको खुद ही दवाई मिल जाती है <laughs> <laughs> तो मैंने किस चीज़ की दवाई खानी है <laughs> ਦਵਾਈ ਕਬਗੜੀ ਚਾਕਟ ਉਠਾ ਲੈਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਹਦ ਬਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਲਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੜੀ ਏ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਕੁੱਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁੱਜੀ ਖਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਮੇ ਤੁਹਾਡਾ ابو ਗੋਦ ਮੇਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਖਲਾਤਾ हाल भी दवाई पीस के खाई तो फीके यार जल्दी जल्दी बात मुकाओं ने बशीर खोकर के जलसे में जाना जाए कुर्सियां लगानी वरना सुबह नाश्ता नहीं मिलना जीतेगा जीते जीतेगा